आज वाल्मीकि के जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जिसने भारतीय मानस पर गहरा प्रभाव डाला है। नदी में स्नान के लिए जा रहे हैं, रास्ते में एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा प्रेमालाप कर रहा है। इस प्रातःकालीन मांगलिक घटना को देखकर मन प्रसन्न हो गया। तभी अचानक एक बाण आया और नर क्रौंच की मृत्यु हो गई। मादा के करुण क्रंदन से पूरा वातावरण कांप गया। वाल्मीकि को गहरा सदमा लगा, स्तंभित रह गए। एक व्याध दिखाई पड़ा, उसे देखते ही वाल्मीकि के मुख से निकला, हे निषाद, तुम अनंत काल तक प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि तुमने काम मग्न क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक का वध कर डाला है। वाल्मीकि को तुरंत पश्चाताप हुआ, ये मैंने क्या कह दिया, इस निषाद को मैं श्राप तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था। आश्रम लौट आए, परंतु क्रौंची का क्रंदन और अपना श्राप वाल्मीकि के मस्तिष्क में गूंजते ही रहे। एक चिड़िया के दुख से मैं कैसे शोकार्त हो गया और कैसे उस क्रौंची के क्रंदन में मुझे राम की पत्नी सीता का मुख और स्वर याद हो आया। वह विकल क्रौंची तो किसी तरह बोल नहीं सकती थी, मैं उसकी वेदना का माध्यम कैसे बन गया। मन के तीव्र आवेग समाधि ला सकते हैं, सोचते सोचते वाल्मीकि समाधिस्थ हो गए। समाधि से उठकर काव्य लिखा, और क्या लिखा। आश्रम के दो बच्चों ने उसे पहली बार गाया। सीता के दोनों पुत्रों ने जब अपनी माँ की करुण कथा लोगों को सुनाई तो कहते हैं अयोध्या आंसुओं में डूब गई।